मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने शुक्रवार को गाजीपुर से मिशन 2024 का शंखनाद कर दिया। गाजीपुर में आयोजित जनसभा को संबोधित करते हुए नड्डा ने कहा कि मतों के साथ सही उपयोग की जरूरत है, गलत बटन पर माफिया राज आता है, सही पर विकास के नए आयाम संभव हुए हैं। प्रजातंत्र में अपने मतों का अधिकार का सही प्रयोग बहुत महत्वपूर्ण उपकरण है। गलत जगह अगर बटन दब जाए तो माफिया राज आ जाता है, सही जगह बटन दब जाए तो मेडिकल कॉलेज आ जाता है, इस बात को भी हमको ध्यान रखना है। जेपी नड्डा ने कहा कि आगामी चुनाव में माफिया को नमस्कार कर डबल इंजन की सरकार में भागीदार गाजीपुर भी बनेगा। भाषण की शुरुआत में नड्डा ने संतों ऋषियों मुनियों की तपोस्थली को नमन किया और कहा कि गाजीपुर बदल चुका है, अब 1.5 घंटे में काशी से आने में लगता है। आपने सही बटन दबाया और योगी जी के लिए भी आपने समय पर सही बटन दबाया, डबल इंजन की सरकार उत्तर प्रदेश में खड़ी कर दी और इसलिए आज मैं कह सकता हूं कि गाजीपुर का विकास न कम से कम पीछे तो कभी हुआ नहीं, अनप्रेसिडेंटेड। और उसी तरीके से यहां माफिया राज को भी आपने नमस्कार किया, विकास को आगे बढ़ाया। आज मैं कहता हूं कि विकास का मतलब हीरा है, हीरा। भाजपा अध्यक्ष ने कहा कि विकास का मतलब हीरा है, जिसमें H से हाईवे, I से इंटरनेट और R से रेलवे और A का मतलब एयरवेज है। यही विकास की नई कहानी है। आज मैं कहता हूं कि विकास का मतलब हीरा है, हीरा। हमसे लोग पूछते हैं हीरा क्या है, तो मैं सबको बोलता हूं हीरा मतलब H मतलब हाईवेज, I मतलब इंटरनेट, R मतलब रेलवेज और A मतलब एयरवेज। और इसके आगे और जोड़ लीजिए कि अब आपका वाटरवेज भी हो गया है और आपका गंगा विलास भी चल पड़ा है। यह विकास की नई कहानी है। उन्होंने बिना किसी का नाम लिए ही माफिया मुख्तार अंसारी और उनके भाई गाजीपुर से सांसद अफजाल अंसारी पर हमला करते हुए कहा कि पिछले चुनाव में सांसद चुनने में गलती हुई है, वो तो अपने भैया को जेल के बाहर निकलवाने में परेशान है। लेकिन आप देखिए, अब आपकी तरफ से यहाँ गलती हुई है, आपने यहाँ से जो सांसद चुना उसका कोई सारोकार है? इन चीजों से कोई सारोकार है? एक ही काम पकड़ा है, भैया को जेल से बाहर निकालना, एक ही काम। ये काम होना चाहिए क्या? होना चाहिए क्या? ऐसे लोग आप बताइए, ये दरिंदगी करते थे कि नहीं करते थे? ये माफिया राज था कि नहीं था? आपको बता दें कि केंद्र सरकार की सत्ता पर काबिज बीजेपी ने 2019 के लोकसभा चुनाव में हारी सीटों पर फोकस करने का प्लान बनाया है। उनमें यूपी की 16 सीटें भी शामिल हैं, जिसमें गाजीपुर भी ऐसी ही एक सीट है जहां से बीजेपी के वरिष्ठ नेता और जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा को बसपा के अफजाल अंसारी के हाथों हार का सामना करना पड़ा था। ऐसे में अपने प्लान के तहत बीजेपी ने मिशन 2024 की शुरुआत गाजीपुर से ही की है।